हेलो एवरीवन, आज हम लोग BHU BCOM प्रिपरेशन में जो अकाउंट्स का पोर्शन है आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला चैप्टर है अकाउंट्स का, इसके बाद भी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले में क्या है। तो ये है कि अकाउंटिंग का सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि अकाउंट्स होता है क्या। उसके सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, तो अकाउंट्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना बेटा कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसके बाद से हम उसको फाइनल रिजल्ट को जो है उसके अलग अलग यूज़र के पास, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के पास हम उनको देंगे, और वो जैसी अपनी नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस डेटा का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया? तो अब देखते हैं अकाउंटिंग का साइकिल एक्चुअल में होता कैसे। सबसे पहले आता है हमारा इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका इनपुट, इनपुट से जो है आपके इवेंट्स जितने भी होंगे वो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइकिल चल के आई है, पूरा हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल में हमारी चारों पाँच चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम लोग उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। बनाने के बाद फिर हम आउटपुट देते हैं उसका, और आउटपुट किसको देते हैं, उसके यूजर्स को देते हैं। और इनके यूजर्स कौन कौन होते हैं? दो टाइप के यूज़र होंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले यूज़र होंगे, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं जो यूज़र, वो कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, फर्म के पार्टनर्स होंगे, मैनेजर होंगे, ऑफिसर होंगे, ये सारे इंटरनल यूजर्स होंगे। जो भी ये फाइनल रिपोर्ट आएगी वो इनको देख के जो भी अपने डिसीजंस लेने होंगे वो इसी रिपोर्ट को देख के जो है डिसीजंस लेंगे। और दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल यूजर, जो एक्सटर्नल जो हमारे बाहर के लोग हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस कंपनी से किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं। तो देखते हैं वो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। हमारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, हमारे लेंडर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए जो है हम लोग इतना रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग हम लोग आखिर करते क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। हम लोग जो है हमको रिजल्ट चाहिए होती है, हमको एक ऐसा नहीं चाहिए होता है कि हम बिल्कुल जो है कह सकते हैं गेस के हिसाब से हम लोग गेस करके हम लोग रिजल्ट निकाल लें, नहीं, हमको एकदम फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है। अगर एक पैसे की कहीं चूक है तो हमको वो भी चाहिए होता है, एक रुपया हमारा लॉस आया हो चाहे एक रुपया हमारा प्रॉफिट आया हुआ हो, हमको ये भी चाहिए होती हैं चीज़ें। तो इसीलिए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यही होता है कि हमको जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट जो है सही मिले, ठीक है। इसके बाद से असर्टेनमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन, हमको अपनी कंपनी की फाइनल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके बाद से है कि कम्युनिकेटिंग इट्स फाइनल यूजर, और उसके बाद जो हमारे अकाउंटिंग के जो रिजल्ट आते हैं, अकाउंटिंग का जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम उसके फाइनल यूजर के पास पहुंचाते हैं, जो भी उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर होते हैं उनके पास। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बुक कीपिंग किसको कहते हैं? अरे थोड़ा ज्यादा देखिए, बुक कीपिंग किसको कहते हैं? इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। बुक कीपिंग उसको कहते हैं जब हम जो है किसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग इसको कहें जब हम किसी ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग बुक्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे बुक कीपिंग क्या कहलाता है, उसमें दो तीन पॉइंट दे देगा, रिकॉर्डिंग ऑफ या कुछ भी समराइजिंग कुछ ऐसा कुछ करके दे देगा, तो हम बुक कीपिंग बता देंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन सी सब फील्ड होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और पाँचवा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग के जो है 5 सब पार्ट होते हैं, हमको इसके बारे में जानना होता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं वो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। कॉस्ट, जैसे कि पर यूनिट कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट किस में आएगा, ये सब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। जब हम इन चीज़ों को मैंशन करते हैं
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो सोशल सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करनी होती है ये हमारे इसके अंदर आती है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो हमको जो है किसी को रिक्रूट करना होता है, प्रमोशन की बात आती है तो ये इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो ये है कि इट इज़ द अजम्पशंस ऑन विच फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज प्रिपेयर्ड। ये एक अजम्पशंस होता है, अजम्पशंस मतलब कि मान लिया जाता है और इसी के बेसिस पे जो है जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो इस पे जो है प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसमें मान लिया जाता है और कि हमको इस बेसिस पे जो है अपना फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करना है, हम ये मानते हैं। ठीक है, हम ऐसे मान के काम करेंगे। ठीक है, इसमें यही किया जाता है। इसके बाद से पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हम मानते हैं कि बिजनेस बिजनेस अपने ओनर से अलग है। मतलब कि अगर ओनर के साथ कुछ बिजनेस बिजनेस के पार्टनर्स से अलग है, अगर पार्टनर्स के साथ कुछ हो जाता है, एक पार्टनर उसमें से चला जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये उनसे अलग है, अगर इनके साथ कुछ हो जाता है तो भी बिजनेस अपना कंटिन्यू करेगा। दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो सब जो है वो मनी में एक्सप्रेस किए जाएंगे। अगर कुछ भी अगर पैसे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो वो हमारे अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। तीसरा हमारा पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। एक पीरियड में हम लोग रिकॉर्ड, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हम लोग एक फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं उसको, तो हम एक पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, ये पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है हमारा। उसके बाद से हमारा एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस ये कहता है कि भले हमारा ट्रांजेक्शन्स हो गया हो, ठीक है, भले हमने कुछ सामान कोई इवेंट इवेंट हो चुका हो और उसमें हमको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी हमको उस चीज़ों की नोटिंग करनी होती है, ये हमारा एक्यूरल बेसिस के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं उसको हमको अपने लॉसेस के साथ जो है मैच करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रेवेन्यू दिखाएं अपने लॉस ना दिखाएं। इसके बाद आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस हमारा हमेशा, बिजनेस की कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता है, एक टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, एक बिजनेस जो है वो हमेशा, एक कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहती है। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम किसी किन्हीं चीज़ों को जो है अगर हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, किसी एसेट को, तो हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जिस पे हम लोग मशीन को खरीदे हों, भले उसकी अभी जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है कुछ और हो गई, जैसे कि मैंने 5 लाख का मशीन जो है 2011 में खरीदा है, तो जब हमारी कंपनी मान लीजिए 2025 में बंद हो रही है तो हम उसमें जो है 5 लाख ही रुपये जो है मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं उस बुक में। अगर 2025 में भले उस मशीन का दाम आके जो है यहाँ पे 8 लाख हो गया हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2025 में क्या मेंशन करेंगे, 5 लाख रुपए ही मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग वो चीज़ें रिकॉर्ड करते, जैसे देखिए यहाँ पे हमने मशीन तो बेची नहीं थी तभी हम सिर्फ 5 लाख रुपए में, अगर हम यहाँ पे मशीन बेचते यहाँ पे हमको 8 लाख रुपए मिलते तो हम इस वैल्यू को रिकॉर्ड करते रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में। उसके बाद क्या आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे एक तरफ का ट्रांजेक्शन अगर हम बुक में एक साइड में ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट दूसरी जगह भी डालता है। यहाँ पे डुअल एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि अगर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कहीं हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं और ज़रूर होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब ये कि हमको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को नहीं लेने चाहिए, हमको अपने लॉसेस को भी जो है शो करने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हमको अपने जितने भी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं उसको हम हर साल फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि इस साल जो है हम फिक्स मेथड से जो है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगले साल हम रिटन डाउन मेथड से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमको जो है
उन उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए जो हमारे बिजनेस के लिए एक्चुअल में बहुत फायदेमंद हो, जो हमारे बिजनेस के लिए जो है, जो हमारे बिजनेस, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी कंपनी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए जो वो इन्फॉर्मेशन हो वो काफ़ी सही हो, ठीक है। हमको कैसे भी फालतू वालतू चीज़ें उठा के जो है अपने बिजनेस में नहीं नोट कर देनी है। ये रहा हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अभी देखते हैं कि हमारा जो तीन मेन कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है, वो पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और तीसरा है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। इसको याद रखिए, गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस हमारा चलता जाता है, बिजनेस का कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी हम लोग जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज या जो भी कुछ फॉलो करते हैं वो हमें लगातार फॉलो करते रहना चाहिए, हमको बीच बीच में जाके अपनी पॉलिसीज, अपने मेथड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में जब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमको इवेंट को रिकॉर्ड करना है, चाहे एक्चुअल में हमको कैश रिसीव हुआ हो या ना रिसीव हुआ हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट और एनी अदर रेगुलेटरी दैट कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एक ऐसा रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो एक अकाउंटिंग बॉडी से निकल के आती है, उसमें जो रहने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हमारे जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं जी, यहाँ से देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हम यहाँ पे 29 तक के आपको दिखाने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसको आप लोग पॉज कर करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 एकदम पक्का रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ ही लेता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक के आपको एकदम जबान पे याद रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग BHU BCOM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक के कम से कम उनको चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है, तो इशू किसके द्वारा की जाती है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इसको इशू करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। हम लोग जो है किसी भी चीज़ को वैल्यू, मतलब कि जब हम ऐसे कंपनी के, जब हम बुक को बंद कर, जब कंपनी की बुक में जब हम लोग किसी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम अपने एसेट की वैल्यू कैसे लगाते, सबसे पहला कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होता है जिस कॉस्ट पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में उस सामान को खरीदे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 लाख का मैंने सामान खरीदा, भले उसका प्रेजेंट में दाम 8 लाख हो गया हो, लेकिन वो 5 लाख रुपए ही उस बुक में नोट होगा। उसके बाद आता है करंट कॉस्ट, जो उसका दाम आज आके हुआ है वो उसका कहलाएगा करंट कॉस्ट। उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि जो उसकी अभी में वैल्यू है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो मशीन की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। और रियलाइजेबल वैल्यू की एक्चुअल में जो हमको पैसा रिसीव होता है तो वो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ेंगे, इसके बाद अभी और भी अकाउंट्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।